नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज 24x7। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। गांधरबल जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दिन जिले भर में रैलियों, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान, पेंटिंग प्रतियोगिताओं और संगोष्ठियों सहित विभिन्न गतिविधियों को देखा गया। एडीसी गांधरबल फारूक अहमद बाबा, अध्यक्ष नगर परिषद गांधरबल हिलाल अहमद, एसीपी सीईओ ईओ नगर परिषद गांधरबल, अन्य जिला अधिकारियों के अलावा जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। मुख्य समारोह का आयोजन नगर परिषद गांधरबल द्वारा किया गया, जिसमें उपायुक्त गांधरबल शामबीर की देखरेख में विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया। रैली दुडनहामा चौक से आयोजित की गई थी और शहर के माध्यम से चली गई, जिसके दौरान प्रतिभागियों ने प्लाई कार्ड ले लिए। सभी को स्थायी रूप से जीने और जलवायु आपदाओं को संबोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत उपायुक्त ने दुडरहामा से सिंध व्यू पार्क फतेहपुरा तक की। इसके अलावा सिंध व्यू पार्क में वृक्षारोपण अभियान, पेंटिंग प्रतियोगिता और स्वच्छता अभियान भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए डीसी ने सभी प्रतिभागियों से पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अपने इलाकों में अधिक से अधिक पौधे लगाने का आग्रह किया। पर्यावरण के लगातार हो रहे क्षरण पर चिंता व्यक्त करते हुए डीसी ने कहा कि समय आ गया है कि लोग प्रकृति को नुकसान पहुंचाना बंद करें और इसे और भी प्रदूषित ना करें, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए इसे बचाया जा सके। बाद में सिंधु व्यू पार्क में उपायुक्त द्वारा साइकिल रैली और पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इसमें हम लोगों ने यहाँ पर एक रैली निकाली, जिसमें कि लोगों से अपील की गई कि पॉलीथीन का उपयोग ना करें। इसके बाद हम लोगों ने साइकिल रेस के यहाँ पे बच्चों को, फिर उन बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया है। अभी पेंटिंग और कॉपी कॉम्पिटिशन अभी चल रहा है, सिग्नेचर कैंपेन किया गया है। और ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने यहाँ पर करी हैं, वो इसलिए की हैं कि ताकि हम लोग अपने पर्यावरण के प्रति सजग रहें। सब लोग इसके प्रति जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करें। हमने यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारियों का भी हौसलावर्धन करने के लिए उनको भी पुरस्कृत किया है, जो हमारे अच्छे अच्छे सफाई कर्मचारी हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं इस फील्ड में, और उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ मैं कि वो हमारे पूरे पर्यावरण को अच्छा रखने में, सुरक्षित रखने में उसके लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीटी न्यूज़ 24x7।